हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आया हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूँ जो कि हाइट बढ़ाने के काम आती है, ओवरऑल ऑप्टिमल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं और टीन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इस ड्रॉप्स का नाम है एडजेक्ट 40 ड्रॉप्स। एडविन का प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा जाने माना ब्रांड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रांड है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एडजेक्ट 40 ड्रॉप्स की रिव्यू करने वाला हूँ, इसके बेनिफिट यूजेस बताने वाला हूँ, किस प्राइस में अवेल कर सकते हैं, कहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं, सब मैं बताने वाला हूँ। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, साथ ही साथ मैं इसकी डोसेज भी बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक सारी वीडियोज़ पहुँच सकें। तो एडजेक्ट 40 एक कॉम्बिनेशन है, होम्योपैथिक स्पेशलिटी है जो कि बेसिकली बच्चों में या टीन में या थोड़े से मतलब 16 ईयर से नीचे वाले बच्चों के लिए है ये, बेसिकली जिनकी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑप्टिमल डेवलपमेंट नहीं हो पाती है तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैक के ऊपर बात कर लेते हैं। पैक आप देख पा रहे हैं, एडविन का प्रोडक्ट है, आप क्वांटिटी भी देख पा रहे हैं, 2x25 ml। तो दो बॉटल्स रहेंगी, ये दो बॉटल्स हैं जो कि दोनों 25 ml की, और तीसरी बोतल है वो बेसिकली इसको मिक्स करके क्रिएट करने के लिए, कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के लिए दी गई है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप देख पा रहे हैं, पीछे कंटेंट में मेंशन है कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो मेंशन है, इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशन है, 25 ml ए में है और 25 ml बी में है, तो इन दोनों को मिक्स किया जाता है बेसिकली। अभी मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली कैसे मिक्स करना है। आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट के पीछे भी वेबसाइट का मेंशन है, और आप बात कर लेते हैं कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इसमें दे रखा है कि आपको ए और बी दोनों को मिक्स करना है, सी बॉटल में जो पीछे वाली बड़ी बॉटल है उसमें मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद उसको शेक करना है अच्छे से ताकि कम्प्लीटली मिक्स हो जाए। डोजेज की बात कर लेते हैं, तो 1 ml देना है, 20 ड्रॉप्स रहेंगी, 3 बार देना है, हाफ कप ऑफ वाटर में, और जैसा आपका पेशेंट सजेस्ट कर रहा है वैसे भी आप दे सकते हैं। तो आपको मैंने जैसा पहले ही बताया वीडियोज़ में कि आपको इनटेक जो रहेगा फूड का वो नहीं करना है आसपास लेने से पहले और लेने के बाद, एटलीस्ट 20 मिनट्स का डिफरेंस रखें, और माउथ को कूला कर लें लेने से पहले ताकि जो भी आपकी अशुद्धियाँ हैं कह लीजिए या फिर कुछ भी आपके माउथ के अंदर है उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए और वो डाइल्यूट हो जाए। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, प्राइस जो है MRP 555 rupees है। आप इसे ऑनलाइन भी इजीली परचेज़ कर पाएंगे, 1 mg पे अवेलेबल है, और जो ऑनलाइन अवेलेबल प्राइस है वो 507 rupees है, करंटली मैंने अभी चेक किया था, ऑलमोस्ट 5 साल की एक्सपायरी के साथ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ट्विन पैक है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट और यूजेज की। तो बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ, बेनिफिट्स के कॉम्बिनेशन टैबलेट है जो कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि बोन डेवलपमेंट के लिए, तो बोन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली चिल्ड्रन में, और जो जो एक टीनेजर लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बोन डेवलपमेंट होने से आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रोथ है वो होती है, और साथ ही साथ आपकी हाइट भी इंक्रीज़ होती है, और ओवर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगला यूज़ है आपका जो ये बेसिकली ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं जो अभी एक एज पे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उनकी ओवरऑल ग्रोथ में। अगला जो यूज़ है आपकी जो स्केलेटन मसल होती है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको एक्टिव करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है ताकि जो भी आपकी जो पेन फील होता है, वीकनेस फील होती है वो दूर हो बच्चों में, और वो एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंच सके उनकी हाइट और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट। एनेमिक चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो ये थे इसके बेनिफिट और यूजेज, डोसेज मैंने आपको पहले बता दी है, और इसका जो रिव्यू है काफ़ी लोगों ने इसको प्रोडक्ट को यूज़ किया है और मोस्टली मैंने इसके पॉजिटिव फीडबैक देखे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव है, बट लोगों ने इसको जो रेट किया 4 out of 5, थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है अगर प्राइसिंग की देखा जाए तो, बट हाँ दो बॉटल्स मौजूद हैं आप देख पा रहे हैं, बॉटल ए और बॉटल बी दोनों को मिक्स करके बॉटल सी में ट्रांसफ़र किया जाता है और अच्छे से इसको शेक किया जाता है, देन उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है ड्रॉपलेट्स के द्वारा। आपको 20 ड्रॉपलेट्स यूज़ करनी है, 1 ml की क्वांटिटी रहेगी एक बार में, 3 बार लेनी है दिन के अंदर, आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट मेंशन कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।